नमस्कार, इजी आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न है, यदि शतावरी कल्प स्तन दूध उत्पादन में सुधार के परिणाम नहीं दे रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? इस प्रश्न पर डॉक्टर सुदर्शन का कहना है कि शतावरी कल्प एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका उपयोग गर्भावस्था और मां के प्रसवोत्तर देखभाल में किया जाता है। शतावरी कल्प में शतावरी की जड़, इलायची और चीनी होती है। यह एक गैलेक्टोगोग के रूप में कार्य करता है जिसका अर्थ है कि यह स्तन के दूध के उत्पादन को बढ़ावा देता है। प्रसवोत्तर अवधि में गैलेक्टोगोग और गर्भावस्था के दौरान माँ के साथ साथ भ्रूण की देखभाल में शतावरी कल्प उपयोगी है। यह मेनोरेजिया, अनियमित मासिक धर्म, गर्भपात, शारीरिक और मानसिक दुर्बलता, थकान, गैस्ट्रिक चिड़चिड़ापन और अल्सर में भी उपयोगी है। इसका उपयोग पुरुषों में शीघ्र पतन और यौन कमजोरी जैसे यौन विकारों के इलाज के लिए भी किया जाता है। यदि आप स्तनपान में सुधार के लिए शतावरी कल्प ले रहे हैं और यदि आपको अभीष्ट परिणाम नहीं मिल रहा है तो भोजन से पहले शतावरी कल्प की बहुत अधिक खुराक जैसे एक बड़ा चम्मच दिन में 4 बार उपयोग करने का प्रयास करें। उसी प्रकार माता को अधिक मात्रा में दूध पिलाना चाहिए। बेहतर परिणाम के लिए सवा और उसके पत्तियों को शतावरी कल्प के साथ दिया जा सकता है। शतावरी कल्प के साथ विदार्यादि कषाय, स्तन्य जनन कषाय और पद्मकादि कषाय में से कोई भी दिया जा सकता है। कषाय की नियमित खुराक 15 मिलीलीटर है और उसे 15 मिलीलीटर पानी में मिलाकर दिन में 2 बार भोजन के आधा घंटे पहले लेनी चाहिए। बहुत कम दूध होने पर भी माँ को बच्चे को दूध पिलाने दे, यह लैक्टेशन को उत्तेजित करता है। यदि इनमें से कोई भी उपाय काम नहीं करता है तो आयुर्वेद के अनुसार उबला और ठंडा गाय का दूध शिशु के लिए एक अच्छा वैकल्पिक भोजन है। माँ को अत्यधिक विचारों और चिंताओं, नींद की कमी और अत्यधिक शारीरिक गतिविधियों से बचना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया easyayurveda.com पर भेंट करें।